वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हम लोगों का करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम लोग ले रहे हैं प्रीवियस सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स। हमारा बहुत सारा वीडियोस हो चुका है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाओ प्लेलिस्ट से निकाल के उन सारे वीडियोस को देखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 13 दिसंबर 2017 को लिए गए फैसले में फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यानी फेडरल रिजर्व बैंक, ये अमेरिकी रिजर्व बैंक है, ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक, इसने ब्याज दरों में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट की है। 1%, 0.75%, 0.50%, 0.25%। तो ये 0.25%, तो फेडरल रिजर्व बैंक ने 0.25% इंक्रीज की है अपना इंटरेस्ट रेट। 13 दिसंबर 2017 को विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। यानी विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था 13 दिसंबर 2017 को, तो आपको ये बताना है वह कहां हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में, या डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। तो ये हुआ था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। अब देखो, मैंने इस तरह से इसलिए लिया है कि ताकि आप देखो थोड़ा सा, अगर चार ही क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको उसका राजधानी याद हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो ये राजधानी है, बस कभी कभी आप देख लेते हो तो आपको याद रह जाता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था और उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, बिना किसी समझौते के उस सम्मेलन का समाप्ति हो गया। 14 दिसंबर 2017 को की गई घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए नॉन क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिए हैं। यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का सीमा कितना बढ़ा दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 8 लाख। तो वह 8 लाख, यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक सीमा बढ़ा दिया गया है, वह सीमा कितना है, तो 8 लाख। 14 दिसंबर 2017 को कला महर्षि बाबू राव पेंटर सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। तो सम्मान का नाम क्या है? कला महर्षि बाबू राव पेंटर सम्मान। क्या है नाम? कला महर्षि बाबू राव पेंटर सम्मान। बाबू राव पेंटर सम्मान, तो बाबू राव पेंटर सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? अमृता शेरगिल, सुमित्रा भावे, विष्णु चिंचालकर या NS बंद्रे। तो ये कौन है? तो ये हैं सुमित्रा भावे, मराठी निर्देशक हैं, ठीक है, मराठी निर्देशक हैं सुमित्रा भावे। तो इनको दिया गया कला महर्षि बाबूराव पेंटर सम्मान 2017। किसको दिया गया? सुमित्रा भावे को। 14 दिसंबर 2017 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? यानी 14 दिसंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस, आतंक विरोधी दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 14 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर 2017 को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, लेखक और निर्देशक का निधन हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 14 दिसंबर 2017 को एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भी थे, वह लेखक भी थे और निर्देशक भी थे, तो उनका निधन हो गया। अमर गोस्वामी, निर्मल वर्मा, तेज ग्रोवर या नीरज वोरा। वो कौन है? वो है नीरज वोरा। नीरज वोरा एक अभिनेता भी थे, वह एक लेखक भी थे और निर्देशक भी थे, तो उनका निधन हो गया 14 दिसंबर 2017 को। 14 दिसंबर 2017 को देश में बनी पहली किस परमाणु पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यानी देश का पहला पनडुब्बी, जो परमाणु पनडुब्बी है, उसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, तो वह कौन है? INS विक्रांत, INS निर्भय, INS कलवरी या INS खांडेरी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS कलवरी। 14 दिसंबर 2017 को किन देशों में जल संसाधन, सड़क और समुद्री क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यानी 14 दिसंबर को किन दो देश के बीच में समझौता हुआ, उसमें से एक देश भारत है,
ठीक है, भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है, किन चीजों के लिए, जल संसाधन के लिए, सड़क के लिए और समुद्री क्षेत्र के लिए। तो इन तीन क्षेत्रों के लिए इन दो देशों के बीच समझौता हुआ है, तो आपको नाम बताना है कौन से वो देश हैं। तो एक देश तो उसमें मैंने बता दिया, एक देश है भारत, क्योंकि आप ऑप्शन अगर देखो तो सारे ऑप्शन में भारत है, यानी एक देश आपका फिक्स हो गया वो है भारत, ठीक है। तो दूसरा देश कौन सा है, अफगानिस्तान, मोरक्को, नेपाल या सिंगापुर, तो वो है मोरक्को। तो 14 दिसंबर 2017 को मोरक्को और भारत के बीच में एक समझौता हुआ, किन चीज़ों को लेकर, तो जल संसाधन, सड़क और समुद्री क्षेत्रों को लेकर। 14 दिसंबर 2017 को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का अभी अध्यक्ष कौन है, अनिता कुर्बान, दुष्यंत चौटाला, प्रफुल्ल पटेल या निरंदर बत्रा। तो ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ का अभी हेड कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है, यह है नरेंद्र बत्रा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, यह है नरेंद्र बत्रा। 14 दिसंबर 2017 को जारी वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2017 में भारत किस स्थान पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 14 दिसंबर को क्या जारी हुआ, तो वैश्विक समृद्धि सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 105वां, 109वां, 100वां या 110, यानी 110वां। तो भारत का स्थान है 100वां। किसमें स्थान है भारत का 100वां, तो वैश्विक समृद्धि सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान है 100वां। यानी 14 दिसंबर 2017 को एक देश ने FM पर राष्ट्रीय प्रसारण बंद कर दिया, तो वह देश कौन सा है, मॉरिशस, नॉर्वे, सिंगापुर, अर्जेंटीना, तो वह देश है नॉर्वे। नॉर्वे ने 14 दिसंबर 2017 से रेडियो पर अपना राष्ट्रीय प्रसारण बंद कर दिया, ठीक है। 15 दिसंबर 2017 को फोर्ब्स द्वारा जारी नवीनतम सूची में अब तक सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले एथलीट के रूप में किसे घोषित किया गया, तो क्या बोला जा रहा है, फोर्ब्स द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट है, किसके द्वारा, तो फोर्ब्स के द्वारा। आपको ये भी याद रखना है, फोर्ब्स ने एक नवीनतम सूची जारी किया है, उसमें से ये कहा गया कि सबसे अधिक पेड एथलीट कौन सा है, यानी किस एथलीट को सबसे ज्यादा पेमेंट मिला है 2017 में। तो ये जारी किसने किया है, ये लिस्ट ये जारी किया है फोर्ब्स ने, तो वह कौन सा एथलीट है, माइकल जॉर्डन, कार्लोस स्लिम, टॉम ब्रेडी या सेरेना विलियम्स, तो वो है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन 2017 के सबसे अधिक भुगतान किए गए एथलीट हैं, यानी और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये रिपोर्ट जारी किया है फोर्ब्स ने, तो वो कौन है, माइकल जॉर्डन सबसे महंगे एथलीट रहे 2017 के। 15 दिसंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इनकम कैटेगरी नॉर्म्स के उल्लंघन मामले में इंडसइंड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया, तो इंडसइंड बैंक पर RBI ने जुर्माना लगाया है। क्यों जुर्माना लगाया है, इनकम कैटेगरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के आरोप में, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या 4 करोड़, तो वो है 3 करोड़ रुपए। इंडसइंड बैंक पर RBI ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया 15 दिसंबर 2017 को। 15 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने किन जगहों में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया, यानी NGT ने कुछ ऐसे जगह हैं जिन पर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह कौन कौन से जगह हैं, रांची और देवघर, आगरा और वाराणसी, हरिद्वार और उत्तरकाशी, आगरा और दक्षिण कानपुर, ये कौन दो जगह हैं जहां पे NGT ने प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह है हरिद्वार और उत्तरकाशी। तो NGT ने हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी, इन तीन जगहों पर प्लास्टिक के वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है, वो कौन कौन सा है, हरिद्वार, उत्तरकाशी और ऋषिकेश, ठीक है, हरिद्वार, उत्तरकाशी और ऋषिकेश, इन तीन जगहों पर प्रतिबंध लगाया है किसने, NGT ने, प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखो। 15 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर मंजूरी दी, यानी 15 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसी एक देश के बीच कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह कौन सा देश है, बांग्लादेश, चिली, ब्रिटेन या कोलंबिया, तो वह देश है कोलंबिया। भारत ने कोलंबिया के साथ कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक समझौता किया है।
15 दिसंबर 2017 को केंद्रीय कैबिनेट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित किस प्रथा को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। ये आपको भी पता होगा कि मुस्लिम समुदाय का एक प्रथा है जिसको हमारी सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। और कौन सा है? सार्वजनिक स्थानों पर नकाब लगाने पर, लंबी दाढ़ी रखने पर, गौहत्या या तीन तलाक। तो वह है तीन तलाक। तीन तलाक को असंवैधानिक और अपराध मानने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दिया है। 15 दिसंबर 2017 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष मार्को पोलो डेल नेरो, ठीक है, मार्को पोलो डेल नेरो को नियमों के उल्लंघन के चलते 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। आपके लिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। आपको देश दिया जाएगा और ये बोला जाएगा मार्को पोलो डेल नेरो कहाँ के फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष थे। मार्को पोलो डेल नेरो, तो आपको नाम याद रखना है। और दूसरा ये बोला जाएगा मार्को पोलो डेल नेरो को कितने दिनों के लिए निलंबित किया गया, तो वह है 90 दिनों के लिए। ठीक है, तो मार्को पोलो डेल नेरो ये कहाँ के फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष थे जिनको 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया? ब्राजील, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? तो मार्को पोलो डेल नेरो या कहाँ के थे? तो ये ब्राजील के फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष थे और फीफा ने इनको 90 दिनों के लिए निलंबित किया है। तो नाम क्या था इनका? मार्को पोलो डेल नेरो। मार्को पोलो डेल नेरो। 15 दिसंबर 2017 को मिस्टर इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर इंडिया वर्ल्ड का खिताब 15 दिसंबर 2017 को किसने जीता? क्या है नाम? परमीत वाही, आर्यन वेद, जितेश सिंह देव और जॉन अब्राहम। तो वो कौन है? जितेश सिंह देव। जितेश सिंह देव ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड का खिताब 15 दिसंबर 2017 को जीता। तो उनका क्या नाम है? जितेश सिंह देव। 15 दिसंबर 2017 को सामाजिक ऑडिट कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सामाजिक ऑडिट कानून, एक कानून होता है सामाजिक ऑडिट कानून, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? असम, ओडिशा, केरल, मेघालय। वो राज्य है मेघालय। मेघालय सामाजिक ऑडिट कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। 15 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नहीं होगा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामुद्रिक विज्ञान हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर किसके साथ समझौते को मंजूरी दी? यानी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामुद्रिक विज्ञान हेतु एक संस्था के साथ समझौता किया है क्योंकि वो लोग मिलकर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर सामुद्रिक विज्ञान हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? यूनेस्को, अंटार्ट, WHO या SAR? तो वह यूनेस्को। 15 दिसंबर 2017 को वर्ष 2017 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान हेतु किसे चुना गया? यानी 2017 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान किसको मिला? मलिक मोहम्मद जैसी, रामदेव धुरंधर, मनु भंडारी या अमर गोस्वामी? तो वो है रामदेव धुरंधर। ठीक है, रामदेव धुरंधर को वर्ष 2017 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान मिला। किनको मिला? रामदेव धुरंधर को। 15 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु विशेष पैकेज को मंजूरी दी? यानी आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र में रोजगार क्रिएशन के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी गई है? तो आपको ये बताना है वह क्षेत्र कौन सा है? खादी और ग्राम उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या चमड़ा एवं फुटवेयर? तो वह चमड़ा एवं फुटवेयर क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। 16 दिसंबर 2017 को धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वी भारत के पहले CNG स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया? यानी पूर्वी भारत में पहली बार CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, वह कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, गोवा, जमशेदपुर या सूरत? वो किया गया है भुवनेश्वर में। यानी पूर्वी भारत का पहला CNG स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? वो हुआ है भुवनेश्वर में। और उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान में। अब आप कमेंट में ये बताओ धर्मेंद्र प्रधान अभी कौन है? ठीक है, 16 दिसंबर 2017 को स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार?
स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार। स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार 2017 किसको मिला? ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, रेखा या हेमा मालिनी? तो वो मिला है रेखा को। कौन सा सम्मान? स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार। स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार 2017 किसको मिला? ये मिला है रेखा को। 16 दिसंबर 2017 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 दिसंबर को हम लोगों ने किस दिवस के रूप में मनाया? मधुमेह दिवस, साक्षरता दिवस, मजदूर दिवस या विजय दिवस? तो यह विजय दिवस। 16 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में कितने मेगावाट की ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया? यानी एक जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम क्या है? ट्यूरियल। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नाम, आप नाम याद रखो। क्या नाम है? ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना। ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना क्या है नाम? ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना। और कहाँ है यह? मिजोरम में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। तो वह कितने मेगावाट का है? 60 मेगावाट, 40 मेगावाट, 55 मेगावाट या 50 मेगावाट? तो वह है 60 मेगावाट का। 60 मेगावाट का एक जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम है ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो 60 मेगावाट का एक जल विद्युत परियोजना, इसका नाम है ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ है? यह है मिजोरम में, और 16 दिसंबर 2017 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। किनके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 16 दिसंबर 2017 को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद किसने संभाला? यानी 16 दिसंबर 2017 को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन गया? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी या मनमोहन सिंह? तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पद का अध्यक्षता संभाल लिया है। 16 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरा और शिलोंग के बीच 271 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करते हुए पूर्वोत्तर राज्य की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की? यानी एक सड़क का लोकार्पण किया गया है, वह है 271 किलोमीटर की सड़क और वह है NH। ठीक है, कौन से दो जगह के बीच? तुरा और शिलोंग के बीच। तुरा और शिलोंग के बीच एक सड़क है 271 किलोमीटर का, इसका लोकार्पण किया गया है। और इसका लोकार्पण करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो 1,00,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 88,000 करोड़ रुपए या 90,000 करोड़ रुपए? तो सही आंसर है 90,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है पूर्वोत्तर राज्य की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए। ठीक है, तो कितना? 90,000 करोड़ रुपए। 17 दिसंबर 2017 को महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस शहर में रन फॉर लाडली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? यानी आपको ये बताना है कि रन फॉर लाडली हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और रन फॉर लाडली हाफ मैराथन का आयोजन क्यों हुआ? तो महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रन फॉर लाडली हाफ मैराथन आयोजन किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, लुधियाना, उज्जैन, नई दिल्ली या जबलपुर? तो वो किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में रन फॉर लाडली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। और वह क्यों किया गया था? महिला सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2017 को दुबई सुपर सीरीज फाइनल 2017 का खिताब किसने जीता? तो दुबई सुपर सीरीज फाइनल 2017, दुबई सुपर सीरीज फाइनल 2017 का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन, अकाने यामागुची, पीवी सिंधु या कादंबी श्रीकांत? तो वो है अकाने यामागुची। तो किसने जीता? अकाना यामागुची ने दुबई सुपर सीरीज फाइनल 2017 का खिताब जीता। और ये खेलते कहाँ से हैं? ये खेलते हैं जापान से। ठीक है, ये जापान के खिलाड़ी हैं अकाने यामागुची, दुबई सुपर सीरीज फाइनल 2017 का खिताब इन्होंने जीता। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो हमारे करंट अफेयर सीरीज में आए। आप ऐसे वीडियोस को देखते रहो। टेक केयर, बाय बाय।